हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, एयरटेल और जियो ने इंडिया में वाईफाई कॉलिंग सर्विस यानी कि वूफाई की सर्विस को स्टार्ट कर दिया है और इस सर्विस के थ्रू आप अपने मोबाइल से बिना नेटवर्क के भी कॉल कर पाएंगे। दोस्तों, ये वूफाई यानी कि वाईफाई कॉलिंग के फीचर को कौन कौन से स्मार्टफोन सपोर्ट करते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करें जियो की, तो जियो के डिवाइसेस यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट करते हैं। जियो ने कहा है कि लगभग 150 से भी ज़्यादा डिवाइसेस जियो की वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंड्रॉयड डिवाइसेस में या एप्पल डिवाइसेस में कौन से सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्पल डिवाइसेस की। तो एप्पल के जो स्मार्टफोन हैं, आपको मैं बता दूँ कौन कौन से मॉडल यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। एप्पल के जितने भी मॉडल हैं 6s और 6s से ऊपर के, वो सारे मॉडल आपको मिल जाएंगे जो कि वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे आईफोन 6s और आईफोन 6s प्लस से ऊपर के मॉडल, यानी कि ये दो मॉडल और इससे ऊपर के जितने भी मॉडल हैं आईफोन के, वो सारे वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं। तो ये तो रही एप्पल की बात। अब बात करें उसके बाद सैमसंग की, तो सैमसंग के भी ज़्यादातर मॉडल वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मॉडल हैं, बहुत पुराने पुराने मॉडल भी हैं। बात करते हैं 2018 गैलेक्सी J4 की, तो ये भी सपोर्ट करता है। A10 जो नया मॉडल था वो भी सपोर्ट करते हैं। A सीरीज जो नई है वो भी सपोर्ट करती है, और A5 की जो 2017 में सीरीज आई थी वो भी सपोर्ट करती है। 2018 2019 सारे के सारे सपोर्ट करते हैं, और जो आने वाले 2020 में मोबाइल होंगे वो भी सैमसंग के सपोर्ट करते हैं। छोटे से छोटे मोबाइल भी आप देख सकते हैं, J4 प्लस, J3, J2, ये सब, J1 भी यानी कि बहुत छोटा मोबाइल 2016 में आया था स्मार्टफोन, ये भी सपोर्ट करता है। तो सैमसंग के भी बहुत सारे मॉडल सपोर्ट करते हैं। उसके बाद कूलपैड के जो मोबाइल हैं, कूलपैड 6, मेगा 5 से ये सपोर्ट करते हैं। गूगल के मॉडल देखते हैं, पिक्सल 3 ए एक्सएल सपोर्ट करते हैं। लावा के मोबाइल भी सपोर्ट करते हैं, आप देख सकते हैं Z61, Z92, Z60S, Z81। उसके बाद Xiaomi के जो मोबाइल हैं वो पोको F1, Redmi K20, Redmi K20 Pro। मैं आपको बता दूं इसमें लिस्ट में नहीं दिया गया है, लेकिन Redmi Note 7, Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Note 8 और Note 8 Pro भी जियो की वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और उसके बाद मोटोरोला के भी मॉडल यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मोटो G6। बहुत सारे मॉडल जो हैं वो लिस्ट में नहीं है लेकिन सपोर्ट करते हैं। वीवो के भी ज़्यादातर मॉडल आप देख सकते हैं, जो नए मॉडल हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, और जो पुराने मॉडल हैं आप देख सकते हैं Y93, Y91, ये जो पुराने मॉडल हैं Y81 ये भी सपोर्ट करते हैं, और जो नए मॉडल हैं Z1 Pro, Y17, ये सब भी आप देख सकते हैं सपोर्ट करते हैं जियो की वाईफाई कॉलिंग को। तो जो भी मोबाइल आपके पास है आप एक बार चेक कर लीजिए सेटिंग में जाके, एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट करके भी चेक कर लीजिए आपके पास जो भी एंड्रॉइड मोबाइल हो। और इसके बाद मैं बात करूं एयरटेल की, तो एयरटेल के भी यहाँ पर बहुत सारे जो मॉडल हैं वो उनमें एयरटेल का जो सिम है वो वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल के 6s और 6s से ऊपर के जितने भी आईफोन मॉडल हैं वो सारे ही सारे एयरटेल की वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं। अब बात करूं OnePlus की, तो OnePlus का OnePlus 6, OnePlus 6T से ऊपर के जितने भी मॉडल हैं सारे एयरटेल की वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद बात करूँ Xiaomi की, तो Xiaomi के यहाँ पर Y3, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7A, Redmi 7, K20 Pro, K20 और Poco F1 यहाँ पर एयरटेल की वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर इस वेबसाइट पर दिख रहे हैं, इस पे लिस्टेड है। और सैमसंग की बात करूँ तो सैमसंग के भी काफी सारे मॉडल यहाँ पर दिख रहे हैं आपको लिस्ट में। तो दोस्तों, इस तरह से एयरटेल का कहना है कि एयरटेल की जो वाईफाई कॉलिंग है उसमें आपको 50 से ज़्यादा हेडसेट सपोर्ट करते हुए मिलेंगे, और जो जियो का कहना है, जियो कहता है कि 150 से ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं वो जियो की वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, नॉलेज अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एयरटेल का जो वाईफाई कॉलिंग है वो बहुत सारे जो स्मार्टफोन ब्रांड हैं वो सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, आप इसकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। माइक्रोमैक्स, जोलो, वीवो, आप देख सकते हैं वीवो के दो मॉडल यहाँ पर लिस्टेड हैं, वीवो 15 प्रो और वीवो Y17। तो इस तरह से बहुत सारे जो मॉडल हैं स्मार्टफोन, ज़्यादातर अगर इनमें से आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट करते हुए मिल जाएंगे। तो इसका एक बड़ा फायदा यह है कि जहां पर नेटवर्क वीक होता है या नेटवर्क नहीं होता है वहां पर आपको बेहतर कॉल कनेक्टिविटी मिल पाती है, और इसका कोई चार्ज भी अलग से आपको नहीं देना पड़ता। आपके जो एग्जिस्टिंग प्लान होता है उसी में से जैसे आप मोबाइल नेटवर्क के थ्रू बात करते हैं वैसे ही आप वाईफाई कॉलिंग के थ्रू बात कर पाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए टेक्निकल इंजीनियर।